आहस सरोकार। पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, मैसूर में रोड शो के दौरान महिला ने फूलों के साथ मोबाइल भी फेंका। पसमांदा मुस्लिम बीजेपी का अभियान, 10 मई से मुस्लिम बहुल 65 लोकसभा क्षेत्रों में 3,25,000 मोदी मित्र करेंगे भाजपा का प्रचार। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, बोली राहुल देश के लिए गोली खाने को तैयार, मेरे परिवार को जो गोलियां आती उस पर किताब छप जाएगी। केरल सीएम बोले द केरल स्टोरी फिल्म पर बैन लगे, विजयन का दावा 32,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन की बात गलत। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की तबियत बिगड़ी, सीने में जकड़न की शिकायत के बाद कराया गया भर्ती। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर समेत यूपी के 5 जनपदों का दौरा करेंगे और मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी तथा गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जौनपुर के बीआरपी कॉलेज के मैदान में स्थानीय नगर निकाय चुनाव के प्रचार में जनसभा को संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। वहीं सीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस नगर के होटलों और जनसभा स्थल के समीप बने स्थानीय आवासों में मेहमानों को ना ठहराने की चेतावनी दी है। अगर कोई ऐसा करता है तो पुलिस को पहले उसकी सूचना देनी होगी। चेकिंग के दौरान होटलों और सामान्य जन के घर संदिग्ध व्यक्ति पाए जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। 5 जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। बता दें मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन एकदम से चौकन्ना नजर आ रही है। निकाय चुनाव को देखते हुए सीएम योगी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं सीएम योगी आज 5 जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें लगातार सीएम योगी मैदान में उतरे हुए हैं और उतरे हुए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांग रहे हैं, लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। एक मई से एलपीजी सिलेंडर के दाम कम हो गए हैं। बता दें कि दिल्ली से लेकर बिहार और यूपी समेत कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर के दाम कम हुए हैं। साथ ही नए रेट गैस कंपनियों की ओर से अपने वेबसाइट पर अपडेट कर दिए गए हैं। कानपुर, पटना, रांची और चेन्नई में एलपीजी सिलेंडर के दाम 171.50 रुपए सस्ता हो चुका है और ये कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में हुई है। वहीं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम हर महीने बदलते रहते हैं। अप्रैल में कमर्शियल सिलेंडर के दाम में कमी हुई थी, 1 अप्रैल को इसके दाम 92 रुपए घटे थे। हालांकि इससे पहले 1 मार्च 2023 को कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 350 रुपए बढ़ा दिए थे। खबर लखनऊ से है जहां कल से रोडवेज बसों की ऑनलाइन सेवा शुरू होने जा रही है। साइबर अटैक के बाद एक बार फिर से डाटा तैयार किया गया है। वहीं आज मुख्यालय में इस डाटा की टेस्टिंग की जाएगी। आईटी सेल के मुताबिक परीक्षण सफल होने पर 2 मई से ई टिकट दी जाएंगे। वहीं आज निगम मुख्यालय के कमांड सेंटर पर टेस्टिंग होगी। बता दें कि साइबर अटैक के चलते 6 दिनों से ऑनलाइन बुकिंग बंद है जो कि अब शुरू होने जा रही है। हरदोई जनपद समेत पाली कस्बे में इन दिनों नगर निकाय चुनाव अपने शवाब पर है। सभी प्रत्याशी अपने लिए समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। वहीं नगर पंचायत पाली के कर्मचारियों का एक निर्दलीय प्रत्याशी के साथ वोट मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पाली के 8 कर्मचारी पूर्व चेयरमैन निर्दलीय प्रत्याशी कमलाकांत के साथ जनसंपर्क करते और वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि अधिशासी अधिकारी ने आचार संहिता लागू होते ही किसी भी प्रत्याशी
समर्थन ना करने और किसी के साथ चुनाव प्रचार ना करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि कोई कर्मचारी किसी प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार प्रसार में पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद अध्यक्ष पद की निर्दलीय प्रत्याशी के जनसंपर्क का एक वीडियो सामने आया है। मामले में SDM ने बताया कि प्रकरण उसके संज्ञान में नहीं है, वायरल वीडियो को देखकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हरदोई नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रेक्षक ने पाली कस्बा पहुंचकर मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं को परखा। इस दौरान प्रेक्षक ने SDM और CO को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें, आगामी 4 मई को पाली कस्बे में होने वाले नगर निकाय चुनाव के मतदान को लेकर पाली कस्बे के पंत इंटर कॉलेज प्रेक्षक पहुंचे। उन्होंने मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं को परखा। प्रेक्षक ने मौके पर मौजूद SDM को निर्देश देते हुए कहा कि पोलिंग बूथ के अंदर पानी पूर्णतः वर्जित रहेगा, किसी को भी पानी ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि अराजक तत्वों ने मत पेटियों में पानी डाला है, इसको लेकर ध्यान रहे पोलिंग बूथ के अंदर कोई भी पानी लेकर ना पहुंचे। इसके अलावा प्रेक्षक ने कहा कि मतदान केंद्रों के आसपास गाड़ियां खड़ी होने दें, पार्किंग की अलग से व्यवस्था की जाए जहां पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाए। प्रेक्षक ने पाली पहुंच कर मतदान केंद्र की सुरक्षा को परखा है, अराजक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई की बात कही है। बता दें, निकाय चुनाव में महज कुछ ही वक्त रह गया है और चुनाव को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं प्रेक्षक ने पाली पहुंचकर मतदान केंद्र की व्यवस्था को परखा है, जहां पर तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं केंद्र में पानी ना ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पार्क गाड़ी केंद्र के आसपास ना खड़े करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि अराजक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। निकाय चुनाव में महज कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको लेकर प्रशासन पहले से ही एक्शन मोड में नजर आ रहा है, व्यवस्थाओं को परखते हुए नजर आ रहा है। बता दें कि मतदान केंद्र की व्यवस्था को परखी जा रही है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं उसको देखा जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, प्रेक्षक ने पाली पहुंचकर मतदान केंद्र की व्यवस्था को जाना है और परखा है। बता दें कि निकाय चुनाव में महज कुछ ही वक्त रह गया है। हरदोई शहर कोतवाली क्षेत्र के विलग्राम चुंगे स्थित मयूर हॉस्पिटल में एक महिला की मौत हो गई। पेट में दर्द होने पर महिला को भर्ती कराया गया, जिसे मौत के बाद डॉक्टरों पर ने रेफर करने का आरोप है, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने मृतका का शव कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। वहीं CO सिटी विनोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि मयूर हॉस्पिटल में महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, डॉक्टरों पर लापरवाही से इलाज करने का आरोप है। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो तथ्य आएंगे उसी के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। भर्ती करवाया था, पेट में दर्द हो रहा था, हमने कहा कि शायद आप भर्ती रखी, नहीं तो दूसरी जगह में अपना एडमिट करा देंगे जाके। और जब मरत हो गई उसके बाद में ये कह रहे थे ले जाओ जबरदस्ती लेकर गया। कौन आज इसकी मौत हुई है और आप कैसे जाने की इनकी मौत हुई? और ये जो आँख पैर थे इधर उधर पड़ रहे थे, तो हमने कहा रोक लिया मैंने, देखा तो था ही नहीं, जबरदस्ती एम्बुलेंस में ला दे रहे थे। क्या नाम है आपका? सर्वेश। क्या घटना यहाँ हुई? मयूर हॉस्पिटल में आज एक घटना हुई है। अभी एक कल खजुरहरा गांव थाना सुरसा में आता है, वहाँ की बाला उम्र 32 साल के पेट दर्द की शिकायत मिलने पर इनके परिजन लेकर के आए थे मयूर हॉस्पिटल में, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इन परिजनों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही से इनकी मृत्यु हुई है, इसका PM कराया जा रहा है, आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।